निशा, संभालो खुद को। निशा क्या जरूरत थी ये सब करने की? दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्या बिल्कुल ही? ऐसा तो हुआ नहीं कि इससे पहले कभी रात भर घर नहीं आई हो तुम। अरे पता था ना तुम्हें, घर पे पूजा है, दादा बाबू वापस आ चुके हैं, तो क्या जरूरत थी? या तो पार्टी में मत जाती या फिर इस घर में नहीं आती रात को, दोनों में से काम नहीं करना था। मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी, बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है। थ्रू आउट द पार्टी मैंने सिर्फ पानी पिया था और किसी ने मेरे ड्रिंक को स्पाइक कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। तुमने कहा था ना मुझे ड्रिंक कम करना चाहिए, इसलिए मैं पार्टी से जल्दी चली आई, क्योंकि वहां रुकती तो मुझे ही नहीं पता चलता कि मैंने कब इतनी पी ली। यकीन करोगे इस बात का? अच्छा किसने बोला डीजे की बात मानने को? तुमसे कहा था ना ईशा, जितना दबोगी उतना दबाएगा वो। और यार दादा बाबू घर पे आ गए हैं, उनसे कहोगे तो सुनेंगे नहीं क्या? नील बस करो, दादा बाबू मर गए थे, वापस आ गए, मैं कितनी खुश थी, पर दादा बाबू को मुझे देखकर बिल्कुल खुशी ही नहीं हुई। उन्हें तो मैं भी गलत लग रही हूँ, उन्हें सिर्फ डीजे सही लग रहा। डीजे? इतने वक्त के बाद इस घर में पूजा थी, इसलिए एक साल से रीति रिवाज क्या होता है मैं सब भूल चुकी थी। दलील होने की आदत पड़ गई है मुझे। ईशा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ना गलत राह में सोच रही हो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। ईशा नींबू पानी थोड़ा सा पी लो, बेटर फील करोगे। ईशा नींबू पानी पियो। ईशा एक बात कहूं, देखो हालात चाहे जैसे भी हो लेकिन वक्त सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा, और खुद पर इतना कठोर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक होगा। और देखो अगर मैं नहीं मानू तो अभी एक बार नीचे चलो मेरे साथ, दादा बाबू से जाके माफी मांगो, उन्हें अच्छा लगेगा, तुम भी बेटर फील करोगे। मैंने क्या कर दिया रोज? मैंने क्यों किया ऐसा? हाँ तो मुझे दादा बाबू से बात करनी थी, मैंने खुद दादा बाबू के साथ अपनी बात बिगाड़ दी। दादा बाबू मुझे एक आउटसाइडर समझते हैं रोज, और मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे रिजॉल्व करूंगी? मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, अपनी फैमिली को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुमने मम्मी ईशा अर्जुन की हालत देखी है, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। कहा तो मैं यहाँ पे सिर्फ डीजे और घर की ताई जी उनकी फैमिली को सबक सिखाने आई थी, मैंने क्या कर दिया ये? मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी? लेकिन मैम आपने क्यों कुछ कहा वहां पे? तो क्या करती रोज? नहीं रुका गया मुझसे, नहीं रुका गया। जानती हूँ कि ईशा अपना रास्ता भटक गई है, लेकिन जिस तरीके से पूरी फैमिली उसको जलील कर रही थी, नीचे मेरी बहन को जलील कर रही थी, मैं खड़े होकर सिर्फ देखती रहती क्या? नहीं, इट्स ओके मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें डिले नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मिस्टर भानु प्रताप महाजन को इसी बात से और गुस्सा आ जाए। सही कह रही हो तुम रोज, क्योंकि मेरा जो ये युक्ति मुल्तानी वाला राज है वो सिर्फ राज ही रहना चाहिए, वो किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हमें कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द। टिल देन लेट्स पैक आवर बैग्स and rest, leave it to the universe. Yes, ma'am. छोड़ो मुझे, ma'am चलिए। छोड़ो मुझे, मेरी युविका जा रही है, छोड़ो। Ma'am, ma'am. Thank you, Mr. Margin. कुछ पल के लिए सही, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी मौजूदगी में
मुझे आप सब लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला और हमें आपके साथ का मैंने सोचा था कुछ और पर कुछ और ही हो गया दादा बाबू लेकिन मैं भी प्रेम नागर की बेटी हूं और अपने पापा से मैंने यही सीखा है जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती आप तक सच को पहुंचा कर रहूंगी मैं रोज तुम जानती हो जिंदगी वास्तव में है क्या व्हाट लाइफ इज इन रियलिटी हम यही जानते हैं ना कि इंसान को मैच्योर होने के बाद ये समझ में आता है कि जिंदगी वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं जिंदगी की वास्तविकता उन पलों में समझ में आती है जहां हम दुखी होने के बावजूद भी खुश होने का दिखावा करते हैं दिल छोटा मत करो युक्ति तुमने बहुत समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया है लेकिन चलो अच्छा एक बात तो तुम्हारी समझ में आई कि दादा बाबू से अभी कोई बात नहीं की जा सकती उन्हें कोई भी सच नहीं बताया जा सकता दादा बाबू डीजे और अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं और उनके पास इसके अलावा कुछ बचा भी तो नहीं है वो इंसान जिंदगी के उस पड़ाव पर खड़ा है जहां उसके पास जो कुछ भी है उसे बचाए रखना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हाँ मुझे समझ में आ गया है लेकिन एक और बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि शायद भगवान जी चाहते हैं कि मैं अपनी ये लड़ाई अकेले लड़ूं शायद दादा बाबू का मेरे साथ मेरी इस लड़ाई में ना होना ही सही है आफ्टर ऑल मेरा ये इंसाफ तभी पूरा होगा जब तक मेरी ये सच्चाई सबसे छुपी रहेगी डीजे या फिर गार्गी ताई जी को या फिर किसी को भी मेरी सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए मेरा मकसद ही मेरा फोकस होना चाहिए डीजे को एक्सपोज करना उसके पापों की सजा उसे दिलवाना और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी दादा बाबू को भी नहीं मुझे एक मास्टर प्लान बनाना होगा महाजन हाउस में रहने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है कितने दिनों तक वहां तुम्हारी मेहमान नवाजी हुई है बहुत ज्यादा दिनों तक ये नहीं हो पाएगा लेकिन अंकल एक और बात है आज पता नहीं दादा बाबू ने एक बात कही उन्होंने कहा कि इस महाजन घर में किसी का भी कोई भी हिस्सा नहीं है पता नहीं दादा बाबू ने ये बात मुझसे क्यों कही स्लिप अप हो सकता है कई बार सब कॉन्शियसली इंसान के मुंह से वो बातें निकलती हैं जो उसके अंतर मन में कहीं दबी हो लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है कि किसी का हिस्सा नहीं है क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिस्सा था और अब नहीं है मैं महाजन हाउस के हिस्सेदारी के राज के बारे में पता लगाती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे इस घर में कुछ और दिन रुकने का एक ठोस बहाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी माँ अपने भाई अपनी बहन को ऐसी नाजुक हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती चाहे इसके लिए मुझे दादा बाबू से ही क्यों ना लड़ना पड़े ये उस तरफ से किसकी बातें करने की आवाज आ रही है
You scared me, Mr. Marjan. लेकिन आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिस मुल्तानी. इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मिस्टर महाजन, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर यहाँ आके टहल लूँ. वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मिस मुल्तानी. ये घर मेरी उम्र से कम बड़ा नहीं है. रात में भटक जाएंगी आप, और वैसे भी महाजन हाउस में आज आपकी आखिरी रात है. जाइए, आराम फरमाइए. मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि आखिरी सांस तक तो कुछ भी आखिरी नहीं होता, इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, कोशिश और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. गुड नाइट मिस मुल्तानी. गुड नाइट मिस्टर महाजन. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.